दुआ करके निकल जाएंगे। तो सब नहीं करना भाई यहाँ पे, तुम क्या कभी समझे नहीं तो उसको भी निकालने निकालने लगा देते। हिंदुस्तान के ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा होगा, ऐसा कोई टेंपल नहीं बचा होगा। हिंदुस्तान कई स्टेट के बोल रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने गेस्टों को लेके दर्शन के लिए जाता हूँ, लेकर वो लोग जाते हैं दर्शन करते आते बड़े बड़े मंदिर कम्युनिटियों के जो पंडिता हैं पंतुलवा हैं उनके साथ में उठता बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, वो लोग पूजा करते हैं, मैं अपने सेपरेट रूम में नमाजें अदा करता हूँ। हिंदुस्तान के तकरीबन स्टेट के मंदिरों के पुजारियों के साथ बोल रहा हूँ आपको मैं। तो ये बकवा करने वालों की बात की कोई वैल्यू नहीं है मौलाना साहब, आप इतना आजिजी करके उसको बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था मैं, एक मौलाना साहब घर में कुरान पढ़ने के लिए दुआएं करने के लिए आए नवे घर में, तो वहाँ पे दो लोग आते हैं, एक बैठा हुआ एक्टिवा पे एक वीडियो बना रहा और कह रहा है मौलाना साहब को, मौलाना साहब कह रहा है कि ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। तो मौलाना साहब उसके करीब में आके उसे आजिजी कर रहे और कह रहे हैं कि मैं यहाँ का मुकामी हूँ। मौलाना साहब सबसे पहली बात मुझे ये बताइए, क्या आप बर्मा से आके यहाँ पे जी रहे, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से आके यहाँ जी रहे? अगर आप हिंदुस्तानी है तो ये मुल्क जितना वीडियो बनाने वाले के बाप का है उतना आपके बाप का ये मुल्क है। अगर आपकी जगह मैं होता वो मल्लेश मेरे से सवाल करता, मैं उसको मल्लेश कह रहा हूँ। अगर आप चाहो तो एम की जगह बीबी लगा के उसको टैग करके उसका नाम आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मुझे अगर रोक के पूछता तो कहता था उसको मैं इस घर में कुरान पढ़ने के लिए आया, अल्लाह कलाम पढ़ने के लिए आया, और मेरे मुल्क के कानून ने जो बड़ा जानवर काटने की परमिशन दी उसकी बनी हुई बिरयानी खाने के लिए आया, उसके बाद जमात बच्चों के साथ घर वालों के साथ में नमाज अदा करने के लिए आया। किसी भी मियाँ भाई को ये इख्तियार नहीं है कि नॉन मुस्लिम भाई को अपनी बस्ती में आने से रोक सके, और किसी नॉन मुस्लिम भाई को ये इख्तियार नहीं है कि किसी मियाँ भाई को अपनी बस्ती में आने से रोक सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाह है मेरे अल्फाज का, हिंदुस्तान के ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा होगा, ऐसा कोई टेंपल नहीं बचा होगा। हिंदुस्तान कई स्टेट के बोल रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने गेस्टों को लेकर दर्शन के लिए जाता हूँ, लेकर वो लोग जाते हैं दर्शन करते आते बड़े बड़े मंदिर कम्युनिटियों के जो पंडिता हैं पंतुलवा हैं उनके साथ में उठता बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, वो लोग पूजा करते हैं, मैं अपने सेपरेट रूम में नमाजें अदा करता हूँ। हिंदुस्तान के तकरीबन स्टेट के मंदिरों के पुजारियों के साथ बोल रहा हूँ आपको मैं। तो ये बकवा करने वालों की बात की कोई वैल्यू नहीं है मौलाना साहब, आप इतना आजिजी करके उसको बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस मल्लेश ने वीडियो बनाया है ना, उसके बाप ने उसकी अम्मा को ये शहर और ये मुल्क ये स्टेट गिफ्ट किया है ना, ये मल्लेश जो वीडियो बनाया मल्लेश के ससुरे ने उसकी बेटी को यानी मल्लेश की बेगम को मल्लेश के ससुरे ने गिफ्ट नहीं किया, किसी के बाप का मुल्क नहीं है हिंदुस्तान। तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जितने हिंदुस्तान में रहने वाले उन सब का मुल्क है, जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे पी सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे पढ़ सकते हैं, जो चाहे आ सकते। कोई भी मल्लेश अगर आना चाह रहा मियाँ भाइयों की बस्ती में तो वो हमारा भाई है, बिल्कुल उसका इस्तकबाल करेंगे। कोई मियाँ भाई जाना चाह रहा किसी मल्लेश की, नरेश की, राजू की, सीनू की बस्ती में तो सीना तान के रुबाब से जाए, क्योंकि वो मल्लेश भी हमारा हिंदुस्तानी भाई है। किसी की औकात नहीं है किसी को डरा सके। किसी की माँ ने अपने पेट के साथ चमड़ों को फाड़ के सीजरिंग के जरिए ऐसा बेटा नहीं पैदा करा कि एक दूसरे कम्युनिटी के बस्तियों में जाने से रोक सके, ना सीजरिंग के जरिए ना नॉर्मल डिलीवरी के जरिए। तो ये हिंदुस्तान हम सबका था, हम सबका है, हम सबका रहेगा। कई स्टेट के टेम्पल्स को जाता हूँ गेस्टों को लेके, किसी गैर मुस्लिम भाई ने हलो बाबू इकड़ा इकड़ा अंडे कोई ने पूछे, उल्टा पूछते अन्ना खाना खा लिए, भैया खाना खा लिए, दाढ़ी देख के टोपी देख के। तो हिंदू भाया बहुत सारे अच्छे हैं, एक दो ये मल्लेश जैसा है वह सुवर के बच्चे एक दो मिलते। मौलाना साहब आप आजिजी नहीं करना, इमीडिएटली पुलिस कंप्लेन कर देना कि इन्हें हिंदू बस्ती है वो रहा, बल्कि हिंदू मुसलमान बस्ती नहीं, हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।